मुझे मौका दिया आपका सामने मंच पर बैठे हुआ मेरा तेलंगाना जो एक्स मिनिस्टर था वो कृष्णैया साहब था और दयाकर साहब था और चौधरी साहब था और कई लोग था आपका जो नाम है। हमारा तेलंगाना में ये एक कैस्ट सेंसस का पूरा देश का भात है। हमारा इससे पहले गवर्नमेंट था तेलंगाना में, अभी भी था। हमारा तेलंगाना में कितना जानवर है मालूम है, कितना बिल्ली है मालूम है, कितना घोड़ा है मालूम है, मगर कितना ओबीसी है वो पता नहीं है अभी तक। सो कैस्ट सेंसस जरूरी करना पड़ेगी और अभी तक 106 ओबीसी कैस्ट ने असेंबली का आता उन लोग नहीं बैठा, वो अभी तक ये कहा रहता वो कहा रहता वो सब कुछ नहीं मालूम है। खाली थोड़ा ओबीसी में भी थोड़ा थोड़ा लोग जो है कैस्ट में, चार पांच कैस्ट में, उन लोग ओबीसी का मुद्दा उठा रहे। अभी अभी मंडल के बारे में पूरा तेलंगाना में किसी को भी नहीं पता हुआ मंडल के बारे में, इन्होंने क्या किया हमके लिए, बीपी सिंह साहब ने क्या किया, वो तेलंगाना में अभी तक इन्होंने परिचय नहीं हुआ। इसके लिए हम ये ओबीसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक बात कहना चाहते, पहला हमारा तेलंगाना में कितना कॉलेजेस है, कितना यूनिवर्सिटी से उधर जाके ये ओबीसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना पड़ेगी। इसके बाद मंडल कमीशन के बारे में, काका कालेकर कमीशन के बारे में, इसका बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ता उन लोगों को ये क्या हो रहे। तेलंगाना में कई योद्धा ओबीसी से है, उन लोग लगभग 40 दिन आईपीएल के ऊपर काम करते और 40 दिन प्रो कबड्डी में काम करते और 40 दिन वो माला पहनते और एक महीने गणेश मंडप के लिए और एक महीने और कोई त्योहार के लिए, इसका ऊपर खर्च करते इनका एनर्जी। मगर ये ओबीसी कहाँ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जा रहे, इसमें क्या आ रहे क्या जा रहे, वो कुछ भी नहीं सोचते वो हमारा ओबीसी परिवार में। सो पिछले 10 दिन में इधर बैठे हुआ हमारा श्रीनिवास गौड़ एक्स मिनिस्टर साहब और कई लोग भी, हम ताज कृष्ण में एक इंटेलेक्चुअल का मीटिंग अरेंज किया। पहली बार तेलंगाना में लगभग 500 से 1000 तक इंटेलेक्चुअल्स को एक ही मंच पे बैठ दिया हम लोग ने। ओबीसी और रिजर्वेशंस, कैस्ट सेंसस, इसका बारे में चर्चा किया और उधर